सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप भी इस तरीके का फोटो एडिट करना सीखना चाहते हैं या अपना फोटो एडिट करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कौशल ब्लॉग वन पे। तो बिना टाइम पास किए हुए ले चलते हैं आपको फोटो एडिटिंग सिखाने। और फोटो एडिटिंग सीखने से पहले आपके फोन में दो एप्लीकेशन होने चाहिए, स्नैपचैट पिकार्ड्स। अगर आपके फोन में ये दोनों एप्लीकेशन नहीं है तो फ्री में जाइए, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। सो फाइनली दोस्तों, हम चलते हैं अपने फोन के गैलरी में। गैलरी में से जिस फोटो को आपको एडिट करना है वो फोटो आपको चूज करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये फोटो, और उसमें यहाँ पे जो सेंड का आइकन है यहाँ पे सेंड करके और ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा इसको तो आएगा स्नैपशीट। स्नैपशीट में आपको, स्नैपशीट में जाने के बाद आपको यहाँ जो नीचे जो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऊपर कोने में यहाँ पे ट्विन इमेज का ऑप्शन दे रहा है उसमें जाना है, ट्विन इमेज में। और उसके बाद ऐसे ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा इसको तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेचुरेशन को पहले ऐसे बढ़ाना है इस तरफ। और जैसे कि आपको फेस से लेना कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो बैकग्राउंड है पहले अपना बैकग्राउंड देखना है। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड इतने पे है तो यहाँ पे कितना सेचुरेशन है, +71 हमको इतना में अच्छा लग रहा है, अपने हिसाब से रखना है आपको यहाँ पर रख लेना है। फिर ऐसे स्क्रॉल करना है, फिर एम्बाइंस दिख रहा है, एम्बाइंस में आपको भी ऐसे ही स्क्रॉल करना है, हमको इतना अच्छा लग रहा है ऐसे तो हम इतने पर इसको रख लेंगे। और फिर उसके बाद फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर हमको दिखेगा यहाँ पे साइड शो। साइड शो में जाने के बाद आपको साइड शो को कभी भी कम करना है, अपने हिसाब से कम करना है। मैंने जैसे कि यहाँ पे 50 ले लिया है, 50% -50 है तो हमको इतना रख लेना है। और फिर लाइट ऊपर के देखना है हमको कितना पे अच्छा लग रहा है, हमको इतना पे अच्छा लग रहा है, हमको इतना ही ले लेना है। और यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करने के बाद आपको यहाँ जो शेयर बटन के बगल में यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको व्यू एडिट पे जाना है। व्यू एडिट के बाद जाने ट्विन इमेज का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ब्रश वाले आइकन पे जाना है। ब्रश वाले आइकन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो कट का ऑप्शन है उसके बगल में यहाँ पे क्लिक करना है। जो आपने लिया था वो यहाँ पे आ गया। हमको जो फेस पे है, जो फेस पे यहाँ पे लाइट चला है हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे 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 हम लोग करके हटा देंगे। और ऐसे समझ में नहीं आता ऐसे कर देंगे। यहाँ पे जो आँख वाला ऑप्शन है उसको आके फिर हम लोग धीरे 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 ऐसे करेंगे। हमको जहाँ तक का हटाना है फ्रेंड, हमको तो अपने बॉडी का हटाना है। मैं अपनी बॉडी का हटाऊंगा, आपको जैसे कि आपके बॉडी पर अच्छा लगता है आप अपने बॉडी का छोड़ के बाकी जगहों का ऐसे इरेज कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हमको अपने पूरा बॉडी का इरेज करना था, मैंने कर लिया इरेज। तो यहाँ पे फिर हमको ओके कर देना है। ओके करने आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर टूल इमेज पे जाना है। यहाँ पे जो सिलेक्टिव का ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाना है आपको ऐसे ऐसे करने का, और यहाँ पे आके जो आपको जो अच्छा यहाँ पे जो जगह लगेगा यहाँ पे प्लस का आइकन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। और ऐसे दो हाथ से पिंच करना है ऊपर नीचे, जैसे कि आपको अपने फेस तक का वाइट करना है अपना फेस। तो यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ा देंगे, प्लस हम 37 रख लेते हैं। फिर यहाँ पे आगे कॉन्ट्रास्ट भी जाना है, कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा कम कर देना है 13%। फिर इसको सेचुरेशन का भी थोड़ा हल्का कम कर देना है। फिर यहाँ पे हल्का कम करने के बाद यहाँ ओके कर देना है। देख सकते हैं आप लोग कितना क्लियर हो चुका है मेरा फेस। फिर यहाँ पे जाके ऐसे ही करना है, आपको जिस जिस जगह का करना होगा वहाँ का कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हाथ थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, इसको वाइट करना है। यहाँ पे जाना है, ऐसे ही पिंच करना है आपको धीरे धीरे, ऐसे ही आपको धीरे धीरे पिंच करना है, हमको इतना करना है। मैंने इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपको इसको बढ़ा देना है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद ये देखिए मेरा हाथ भी हो गया। फाइनली दोस्तों मेरा यहाँ तक आ गया है। फिर उसके बाद सेलेक्टिव ऑप्शन, सब कमाल यहीं से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक वाला है, यहाँ पर मैंने ब्लैक वाला चूज कर लिया। यहाँ पर देखिए मेरा फेस छोड़ के बाकी सब पार्ट्स आ रहे हैं, तो हमको खाली शॉर्ट का करना है। शॉर्ट का यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से रखना है, पहले इसको कम करना है। कम करने के बाद इसको भी आपको बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को 46 कर लेना है। फिर यहाँ पे सेचुरेशन पे जाके सेचुरेशन को भी कम कर देना है। फिर यहाँ पे जाके इसको भी कम कर देना है, यहाँ पे करके छोड़ देना है आपको। तो मेरा इतना तक हो गया है। और जो यहाँ जो बाइक का लाइट है इसको अगर आप लोग को बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे घटा बड़ा कर सकते हैं। हमको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, हमको इतना अच्छा लग रहा है, हमको इतना ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद अपने फ़ोटो को हल्का जूम कर लेना है। जूम करने के बाद
आपको यहाँ पे जो पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। पोर्ट्रेट पे जाके अब पोर्ट्रेट पे जाके आपको ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो जो आई केयर है आई केयर को बढ़ा देना है, इससे आप आँख जो है काफ़ी अच्छा दिखेगा और स्किन स्मूथ है। इसको आपको ले लेना है 50% कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है, देख सकते हो। फिर यहाँ से आपको डन कर देना है, यहाँ पे आपका फोटो सेव हो चुका है। जो अभी एडिट किया है उसको लेना है फिर से। फिर से लेने के बाद जो इस ये वाला आइकन है शेयर वाला पे क्लिक करना है। शेयर वाला क्लिक करने के बाद आपको एक टूलविज करके एप्लीकेशन है, टूलविज यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे शेयर करके इसको आना है। इसमें आने के बाद आपको जो यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन देख रहा है, इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद आपको सॉफ्ट स्मूथ में जाना है। ये पाँच वाला पे आपको ऐसे क्लिक करना है। आपको जो यहाँ पे मार्क्स का दिख रहा है ऑप्शन, मार्क्स पे आना है। मार्क्स पे आने के बाद आपको ऐसे जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन है, हमको इरेज करना है, अपना फेस इरेज कर लेना है। इतना कर चुका हूँ और उसके बाद पे डन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतर लग रहा है हमको ये। तो यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फ़ोटो सेव कर लेना है। फ़ोटो यहाँ से मैंने सेव कर ली, देख सकते हैं फ्रेंड्स।